मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका रास्ता साफ हो चुका है। इसके अगले सप्ताह चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इंदौर के बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। इंदौर में ओबीसी आरक्षण का फैसला आने के बाद भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जमकर जश्न मनाया। पार्टी कार्यालय पर आकर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे बजाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी मनाई। वहीं इस दौरान बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि मध्य प्रदेश ओबीसी समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। कोर्ट के आदेश के बाद यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस की ओबीसी विरोधी नीति है। वही मध्य प्रदेश शिवराज सरकार की प्रतिबद्धता थी कि ओबीसी समाज कैसे आगे बढ़े। देखिए, आज उनका झूठ उजागर हुआ है। आरक्षण को लेके हम कितने संकल्पित हैं इस दिशा में आपको इसी से पता चलेगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री और माननीय नगरी प्रशासन मंत्री, जैसे ही उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय आया, तुरंत उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश प्रवास था, उन्होंने विदेश दौरा निरस्त किया और उन्होंने जाके हमारे सभी जो एडवोकेट्स थे हमारा अपना पक्ष रखा। और आज हमें कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पूरे पक्ष को समझते हुए, चाहे वो ट्रिपल टेस्ट की बात हो, चाहे वो ओबीसी आरक्षण को दी, हमारे ओबीसी कमेटी द्वारा दी गई हमारी रिपोर्ट हो, उसके आधार पर आज आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का जो निर्णय लिया, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी वर्ग के प्रति जो उनका भाव है, उसकी जीत है। और कांग्रेस ने जो दोहरा चरित्र अपनाया था, उसकी हार है। आज पूरे मध्य प्रदेश की, हमारी सभी ओबीसी की जनता को पता चल गया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या अंतर। पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और पिछड़ा मोर्चे, पिछड़े समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि आरक्षण आधार पर ही, ओबीसी आरक्षण आधार पर ही चुनाव होंगे, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का प्रदेश की जनता के द्वारा आभार मानते हैं, ओबीसी समाज द्वारा आभार मानते हैं कि उन्होंने प्रयास कर बिंदुओं के आधार पर पिछले 3 दिन से जो सुनवाई चली, उसमें सारे पूरे प्रदेश के एक एक छोटे छोटे निकायों से जो ने आंकड़े पेश करे, उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पारित करा और ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने प्रयास करा लगातार और ये फैसला हमारे पक्ष में आया है, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोर्चा मोर्चा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिस आधार पर कि ओबीसी को तो सबसे पहले आरक्षण मिलेगा और उसी आधार पर चुनाव होंगे। वहीं अब इस फैसले के बाद भाजपा जहां जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस आरोपों की बौछार करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।